अभी हमने क्या देखा, सिंगल लेवल मेन्यू कैसे बनाते हैं। अब हमको इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी चाहिए, तो अब ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक और न्यू पेज बनाया, उसको नाम दे देते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू .html। यहाँ पर भी हम सेम एक डिव बनाते हैं, उसको एक आईडी दे देते हैं मेन्यू, और एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, एलआई बनाया, उसके अंदर एंकर बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्विसेज। अब मैं चाहता हूँ कि इस सर्विसेज के नीचे एक और मेन्यू खुले, तो अभी एक सिंगल ड्रॉप डाउन बनाते हैं, फिर उसी के जैसे मल्टीपल बना लेंगे। तो एक एलआई बनाया सर्विसेज का, ठीक है, इसके अंदर मुझे और भी चाहिए, तो जस्ट इसी एलआई के अंदर आप आ जाओगे अंदर, और इसके अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट बना लोगे। तो यहाँ पर मैंने एक और अनऑर्डर लिस्ट, उसका भी एलआई बनाया और उसके भी अंदर एंकर बनाया। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नाम दे दिया, अभी लिंक वन, इस तरीके से इसमें क्या बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे। ठीक है, तो ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ये किसकी है, इस एलआई की, है ना। तो अब अगर मैं इसको अभी देखूं तो कैसा दिखेगा, ये ठीक है, एक ड्रॉप डाउन जैसा लग तो रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर इसको सही देना है। तो अब देखो कैसे करते हैं, हम लोगों ने सी एस एस लिखा हैश मेन्यू, वही काम करेंगे कि हमने पहले इसको विड्थ दे दी 100%, मिनिमम हाइट दे दी 50 पिक्सल, बैकग्राउंड आप कोई भी लगा लो, मैंने ऑरेंज लगा लिया, और ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन आप हटा दोगे, तो हमने स्टार लगाया मार्जिन 0 पिक्सल, इतना तो हमने पिछली क्लास में किया था। नाउ अब हमको ये अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम इस अनऑर्डर लिस्ट का जो यूएल है उसका मार्जिन भी 0 कर दो और पैडिंग भी 0 कर दो, हो गया सब 0 0 हो गया, और उसका लिस्ट स्टाइल भी यहाँ से हटा देते हैं। मार्जिन पैडिंग 0 इसलिए गया ताकि बिल्कुल पूरा लेफ्ट साइड में अरेंज हो जाए। अब ये दोनों अरेंज क्यों हो गए, क्योंकि दोनों अनऑर्डर लिस्ट थी, एक ये भी अनऑर्डर लिस्ट है और एक ये भी अनऑर्डर लिस्ट, इसलिए दोनों साइड एक साइड आ गए, क्लियर है ना। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एल आई पे काम करते हैं। अब एल आई बोल तो रहा हूँ मैं, एल आई कौन से पे अप्लाई होना है, एक एक इस एल आई पे अप्लाई होगा, एक इस एल आई पे अप्लाई होगा, क्योंकि यूएल के अंदर यही दो एल आई हैं, तो इन सब एल आई पर और इस एल आई पर अप्लाई होना है ना। तो मैंने क्या किया, सभी को पहले एक बॉर्डर दे दे ताकि मुझे पता चल जाए कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, कितना एरिया रिजर्व कर रहे हैं ये एलआई, ये पूरा एरिया रिजर्व हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि इनकी विड्थ कम करना, तो इनकी विड्थ कम कर देते हैं थोड़ी सी, तो हमने इसमें क्या किया, विड्थ दे देते, पहले हमने इसको विड्थ दे दिया 120 पिक्सल समथिंग, तो ये देखो एक इतना डिस्टेंस आ गया। अब मुझे ना इस पूरे टेक्स को लेके आना सेंटर में, तो हमने लिखा टेक्स अलाइन सेंटर, सेंटर में भी आ गया। अब इसकी जो हाइट है, लाइन हाइट, वो इंक्रीज कर लेते हैं, तो लाइन हाइट हमने बढ़ाया 50 पिक्सल कर देते हैं हर एक एलआई को, तो सब एलआई देखो 50 50 पिक्सल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट किया, तो अब लेफ्ट में जाने के लिए तो जगह ही नहीं, क्योंकि इसकी विड्थ ही मैंने सेट कर दी है, तो इस तरीके से हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, नहीं जाएंगे लेफ्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ और कुछ बैकग्राउंड लगा देता हूँ, दिख नहीं रहा अभी, कुछ और लगाते हैं, पिंक लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे ये एंकर टैग का अंडरलाइन हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, एलआई के अंदर जितने भी एंकर हैं
सबका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे और कलर चेंज कर सकते हैं। कलर मैं वाइट कर देता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर देता हूँ। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो लिस्ट है ये अभी ना दिखे। कब दिखे? जब मैं इसके ऊपर माउस को ले जाऊँ, सर्विसेज के ऊपर जब माउस ले तब ये खुलना चाहिए। उसी को हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। तो करना क्या है कि यूएल के अंदर जो एक और यूएल है उसका विजिबिलिटी आपको हटाना है, हिडन करना है। तो हम लिखेंगे कि मेन्यू के अंदर यूएल के अंदर जो यूएल है उसकी विजिबिलिटी हिडन हो जाए। ठीक है, विजिबिलिटी हिडन करने से वो हिडन हो गई। लेकिन क्या है कि अभी एलआई की जो है वो हाइट नहीं दिया है हमने, क्योंकि लाइन हाइट अलग बात होती है और हाइट अलग होती है। तो अभी हम यहाँ पे हाइट भी डिफाइन कर देंगे 50 पिक्सल, तो ये चीज़ भी नहीं दिखेगी। क्लियर है? अब विजिबिलिटी तो हिडन हो गई, तो अब विजिबिलिटी लाएंगे क्या कब? जब मैं किसी अनऑर्डर लिस्ट में इस एलआई पर माउस को ले जाऊंगा तब ये वाला अनऑर्डर लिस्ट विजिबल हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखोगे कि मेन्यू में यूएल के अंदर जो एलआई है उसके अगर माउस ले जाऊंगा तो जो यूएल है उसकी विजिबिलिटी विजिबल हो जाए। तो अब देखो माउस ले जा रहा हूँ तो उसकी विजिबिलिटी विजिबल हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझको जितने भी बनाने हैं ना ये एलआई को कॉपी कर लेता हूँ। ये एक पूरा सिंगल एलआई है, इसके मल्टीपल बना सकते हो, तो सब तुम्हारे इधर आ जाएंगे। अब सबके मेन्यू चेंज कर सकते हैं, सर्विस, प्रोडक्ट्स, गैलरी, कुछ भी बना सकते हो इसके अंदर। ये जो मेन्यू है हम इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक, तो फिर थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा ये। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया था, समझ में आ गया? पहले हमने एक सिंगल एलआई बनाया था, सिंपल जैसा मेन्यू बनता है वैसे ही करना है। बस मेन चीज़ यहाँ पर ये है, आपको उस यूएल के अंदर के यूएल की विजिबिलिटी को हिडन करना है। और कब विजिबल करना है? जब यूएल के किसी एलआई पर आप एच ओवर करोगे तो यूएल विजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?